अब हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत किया भारत के लोगों ने जापान में, भारतीय समुदाय ने। भारत के समय की अगर बात करें तो उस समय सुबह के 5 बजे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे। एयरपोर्ट पर क्या माहौल था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं टोक्यो, जहां मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। और श्वेता, चाहे व्यापार की दृष्टि से बात करें, वाणिज्य की दृष्टि से बात करें, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बात करें, या क्वाड समिट सिक्योरिटी की दृष्टि से बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है यह दौरा। जी गौरव, हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे दौरे में। और प्रधानमंत्री अभी तो जहां पर आने वाले हैं ये तो भारतीय समुदाय से यहां पर उनकी मुलाकात होगी, यहां पर संबोधन उनका होगा। लेकिन हां, जो दिन भर निकला है उसका एक एक लम्हा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर जितने भी भारतीय यहां पर सेटल हैं, गौरव आप भी पिछले दौरे पर आए थे और आपने देखा था, उस समय मुलाकात आपकी लोगों से हुई होगी। 40,000 कुल आबादी जरूर है, लेकिन उसमें से भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो यहाँ पर नौकरी देते हैं, नौकरी जनरेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। कई जापान के लोग भी इनके शुरू किए हुए कंपनियों में या इनकी स्थापित कंपनियों में काम करते हैं, और फिर बाकी भारतीय भी जो यहाँ पर काम करते हैं वो उसमें। तो इनकी जो अहमियत है वो जापान की सरकार भी समझती है, जापान के लोग भी समझते हैं। और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन करेंगे तो उसमें भी इस चीज को छुआ जाएगा। साथ में हम आपको बता दें गौरव की यहाँ पर अब चूंकि प्रधानमंत्री किसी भी समय पहुंचेंगे, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया की तरफ से अब हम यहाँ पर ज्यादा बातचीत न करें। मैं जरूर वो दिखाना चाहूंगी जहाँ पर प्रधानमंत्री अब किसी भी समय यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर संबोधन करेंगे। आप यहाँ पर मराठी पगड़ियों में लोगों को देखिए, बाकी लोगों को देखिए, आईटी के अधिकतर काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर। आईटी क्षेत्र में सबसे अधिक भारतीय यहाँ पर काम करते हैं। और इसके अलावा होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स यहाँ के बहुत अहम है और इसमें ही भारतीय अधिकतर रहे। और प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे तो यहाँ पर भी जो लोग हैं गौरव, वो सारे इस बात को समझते हुए आए हैं कि प्रधानमंत्री ऐसी क्या चीज कह सकते हैं जो भारत और जापान की साझेदारी को कुछ और आगे बढ़ा सकता है। गौरव, और बहुत ही निकट संबंध है भारत के जापान के। अगर हम द्विपक्षीय रिश्तों की भी बात करें, अगर हम इस समय क्वाड पर 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे श्वेता, लेकिन क्वाड से पहले बायलैटरल रिलेशंस, चाहे वो भारत में बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेलवे लाने की बात हो या फिर काशी और क्योटो को सिस्टर सिटीज या ट्विन सिटीज बनाने की बात हो, या जापान का निवेश भारत में लाना हो। $15 trillion सरप्लस इकोनॉमी है जापान की और भारत को बहुत सुरक्षित इन्वेस्टमेंट स्थान मानते हैं वो, तो क्या क्या उम्मीद करें, किस किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा श्वेता? देखिए गौरव, आज का पूरा दिन उसी चीज को समर्पित था, आज का पूरा दिन उसी हिसाब से समर्पित था। लेकिन जिस तरह की साझेदारी न केवल जापान से, यानी कि एक द्विपक्षीय साझेदारी के हिसाब से आगे बढ़ रही है बात, बल्कि अमेरिका से जो रिश्ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जो रिश्ते हैं, ये पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है, जहां पर अगर स्पष्ट तौर पर देखिए, कोई ऐसी डिफेंस की संस्था भी नहीं है क्वाड, लेकिन किस तरीके से चीन परेशान हो जाता है उन चीजों को लेकर, किस तरीके से अर्थव्यवस्था की भी साझेदारी की बात होती है तो चीन उसको लेकर ये कह देता है कि इट इज बाउंड टू फेल। तो वहां के विदेश मंत्री अगर इस तरह की चीजें कह देते हैं तो इसका सीधा मतलब हो जाता है कि अभी तो क्वाड की बैठक कल की हुई नहीं है और छटपटाहट इतनी अधिक चीन को हो गई है अभी भी। और ये बड़ी दिलचस्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है श्वेता, जिसका आप जिक्र कर रही है कि क्वाड की मीटिंग होती है, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जब बैठक होती है तो चीन छटपटाने लगता है। क्या इस छटपटाहट की सबसे बड़ी वजह यह है श्वेता कि जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में के जो लोग अगर एक साथ इसमें जुड़ जाते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो सप्लाई चेन रेजिलियंस से चीन बाहर हो जाएगा और दुनिया को एक स्टेबल सप्लाई चेन मिल सकेगी? और इस बात से क्या चीन घबरा रहा है श्वेता?
जाहिर है गौरव, जब से गलवान का पूरा गतिरोध हुआ उसके बाद से जिस तरीके से भारत में एक लोगों की ही एक मुहिम सी चल पड़ी कि हम बहिष्कार करेंगे चीनी सामानों का, और उसका पूरा पूरा असर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। भले ही चीन से इस कदर हमारा कारोबार हो कि अगर हल्की सी भी चीज हो तो उसे उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन उसे इतना तो समझ में आता है कि ये शुरुआत होती है, और उसमें अगर भारत आत्मनिर्भर होता जाता है, अगर मेक इन इंडिया को एक मुहिम बनाया जाता है, अगर वोकल फॉर लोकल की आवाज प्रधानमंत्री कहीं पर उठाते हैं, तो चीन को सीधा मालूम है कि ये प्रहार उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके वर्चस्व पर, दुनिया में उसके रसूख पर हो जाता है। और भारत अगर एक विकल्प के तौर पर उभरता है, क्योंकि अगर चीन में जिस तरीके से अभी तक ये कंपनियां काम करती रही हैं, जो वहां से निकल कर अगर भारत का भी रुख करती हैं, तो दुनिया के लिए किस तरीके से चीन का एक ऐसा विकल्प के तौर पर नजर आ सकता है, चीन के किस ऐसे विकल्प के तौर पर गौरव नजर आ सकता है वो, जहां एक सभ्य सुसंस्कृत और एक ऐसा देश सामने। गौरव, मैं ये बताना चाहूंगी कि अब यहां पर अब पूरी तरीके से शांति रखने के लिए कहा गया है, तो हम आगे यहां से अब बात नहीं कर पाएंगे।